भाषाकर्मी आई हैं और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन को ये आशंका लग रही थी कि शायद ये लोग रेलवे ट्रैक पर आ करके रेलवे का जो नौ सूत्री मांगों को लेकर के आज आशा कर्मियों का पटना के गर्दनी बाग में महाधरना का आयोजन किया गया है। इस महाधरना में राज्य भर की हजारों की संख्या में आई आशा कर्मियों के द्वारा आप देख सकते हैं कि पटना में जुटान हुआ है। यहाँ पर अभी हम सचिवालय हॉल्ट के निकट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो है आशा कर्मी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे रेलवे को किसी तरह का बाधक ना हो, रेलवे फाटक के पास कोई प्रदर्शन ना करे, इसे देखते हुए यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है और जो यहाँ पर रेलवे फाटक है उसे पूरी तरह से सुचारू रखने का प्रबंध किया गया है। क्योंकि माना जा रहा है कि जिस तरह से आशा कर्मियों का यहाँ जुटान हुआ है वो आशंका जताई जा रही है कि ये लोग हॉल्ट पर आ सकते हैं और हॉल्ट पर आ करके यहाँ रेलवे ट्रैक को जाम कर सकते हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है या जो ट्रैक है उसे पूरी तरह से सुचारू रखने का प्रयास किया जा रहा है। आशाकर्मी जो हैं उन्हें रेलवे फाटक से दूर रखा जा रहा है ताकि वो रेलवे ट्रैक पर ना आए। बता दें कि अपनी नौ सूत्री मांगों को लेकर के जो आशाकर्मी हैं वो पटना में आई हैं और पिछले 12 जुलाई से वो लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों को लेकर के आज पटना में आशाकर्मियों का जुटान हुआ है और अपनी मांगों को लेकर के सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, आशाकर्मी हैं, क्या कुछ आप लोगों की व्यवस्था की गई है यहाँ पर रेलवे? देख रहे हैं जो व्यवस्था है हम लोगों का रेलवे, क्या लग रहा था कि ये लोग रेलवे ट्रैक पर आकर के? नहीं, ऐसा कोई नहीं था। आप लोगों की तरफ से पूरी व्यवस्था है? हाँ, पूरी व्यवस्था देख ही रहे हैं आप लोग तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तैनात पुलिसकर्मी हैं उनका कहना है कि यहाँ पे रेलवे की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है कि किसी भी तरह का जो रेलवे फाटक पे किसी तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो, जो आशाकर्मी हैं वो अपनी गंतव्य स्थान जहाँ उनका स्थान बना हुआ है, प्रदर्शनकारियों का जो स्थान बना है उस स्थान पर ही रहें और प्रदर्शन करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रेन आ रही है, ट्रेन को रोका ना जाए, इसे ट्रेन को रोका ना जाए और आशाकर्मियों के द्वारा किसी तरह का प्रदर्शन ना किया जाए। क्योंकि बड़ी संख्या में हम महिला आशाकर्मी आई हैं और कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन को ये आशंका लग रही थी कि शायद ये लोग रेलवे ट्रैक पर आ करके रेलवे का जो रेल परिचालन पर इसका असर ना पड़े, इसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालाँकि आप देख सकते हैं यहाँ से ट्रेन निकल रही है लेकिन यहाँ आशाकर्मियों को जो है पुलिसकर्मी रेलवे ट्रैक से दूर रखा है, जिसके कारण अभी तक जो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है आशा ये रेलवे लाइन जो है पूरी तरह से क्लियर है और ट्रेन का परिचालन पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रहा है। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।